कहाँ जा रहे हो? हमारा फालतू इस तमाशे में नहीं पड़ना। गाड़ी रोको, आदित्य सामने को हॉस्पिटल लेके जाना है। Wrong with you. Damn it. Oh God. I'm really sorry. वो गलती से हो गया। आप तो सिंगर समायरा सेठ है ना? आपको ज्यादा लगी तो नहीं है ना? वाह मैडम वाह, किसी को गाड़ी से उड़ा दो और फिर पूछो लगी तो नहीं। अरे ये सेलिब्रिटी लोगों के यही चक्कर होते हैं, किसी के जान की तो इनको परवाह ही नहीं। I'm really sorry भाई साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। जरा इनसे पूछो तो, ये शराब पीकर गाड़ी चला रही थी। मैंने बोला ना वो गलती से हो गया, वो अब मेरी मदद करिए ना, पहले इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। और भाई साहब आपका जो भी इलाज का खर्चा होगा वो मैं दूंगी। हॉस्पिटल तो ये जाएंगे, लेकिन पहले आप पुलिस स्टेशन जाएंगी। क्या तमाशा ये? कहीं नहीं जाएंगी ये। सबक तो सिखाना ही होगा, वरना ये फिर किसी गरीब को अपनी गाड़ी से उड़ा देगी। कुछ नहीं किया इन्होंने, गाड़ी मैं चला रहा था, मुझसे बात करो। अच्छा तो वो तुम हो जो हवाई जहाज की तरह गाड़ी चला रहे थे, अब तुम पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा मुझे? अरे इसकी हिम्मत तो देखो, एक तो गलती करता है ऊपर से हाथ उठाता है। तभी उससे बात कर, जानता है तू किससे बात कर रहा है? आदित्य जगन्नाथ हूं मैं। जगन्नाथ, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वाले जगन्नाथ? राइट। अब समझ आया, और ड्रामा हो गया तुम सबका। अब तुम साफ निकल जाओ यहां से, क्या कर रहे हो हम देख लेंगे। मूव। चलो समय से हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना, तो फिर हमें किसी चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं? अब ये मत कहना कि शिखा के बारे में नहीं सोच रहे। आराम से, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। वैसे तुम हर बार इतने गुस्से में क्यों रहते हो? मैंने तो तुम्हारी मदद की है ना, तुम्हारी शिखा को फंसने से बचा है। देखो मेरा यकीन करो, आदित्य के खिलाफ हर कदम पर मैं शिखा और तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, उस पर भरोसा करो। मैं खुद आदित्य से इतनी नफरत करती हूँ, आज वो जो कुछ भी है ना मेरी वजह से, उसका होता, उसकी हैसियत सब मेरी वजह से। अब मुझे देखो, मैं यहाँ सड़ रही हूँ और वो आदित्य ऐशो आराम से जी रहा है। मुझसे बहुत नहीं देखा जाता, बस बहुत दुख। अरे तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज ये इंजेक्शन रख दो। अरे मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैंने की भी है। मैंने आदित्य के बारे में तुम्हें जानकारी दी है, प्लीज ये इंजेक्शन रख दो। मुझे ये इंजेक्शन नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज। एक अच्छा काम कर देने से अपनी पुरानी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकती तुम, कितनी भी कोशिश कर लो, इस जन्म में तो तुम्हारे पाप धुलने से रहे, समझे? नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं।
हर्ट हो रही है आदित्य, कहीं उसे कुछ हो गया तो? नहीं खबर, उसे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सिस्टर जी सर, भंडारा रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ था वो ड्रंक ड्राइव वाला केस, उस पेशेंट को यहीं एडमिट किया है ना? जी सर, वो यहीं पर है, डॉक्टर मित्तल उन्हें देख रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, आई टेक केयर ऑफ इट। सिस्टर, ये जो एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का मालिक कौन है? जी वो है, अरे आप वही मशहूर सिंगर है ना, समायरा सेठ, तो ये एक्सीडेंट आप ही की गाड़ी से हुआ है? अच्छा, तो आप शराब पीकर गाड़ी चला रही थी? जी नहीं, गाड़ी ये नहीं चला रही थी, गाड़ी मैं चला रहा था, आदित्य जगन्नाथ। एक्चुअली इंस्पेक्टर, ये अचानक से, एक सेकंड, क्या नाम कहा आपने? आदित्य जगन्नाथ, जगन्नाथ इंडस्ट्रीज वाले जगन्नाथ जी। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने दो ड्रिंक्स पी हुई थी, लेकिन मैं अपनी कंप्लीट सेंसेस में था। ये एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होता अगर वो आदमी पूरी रोड छोड़कर अचानक से मेरी गाड़ी के आगे नहीं आ जाता। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे साहब, मैं मानता हूँ अमीर लोग कभी झूठ नहीं बोलते, जरूर गलती उस गरीब आदमी की होगी। इंस्पेक्टर, तो मैं चलूं? सॉरी सर, एक्चुअली क्या है ना, आपको थोड़ा वक्त वेट करना पड़ेगा, पुलिस कंप्लीट फाइल हो चुकी है, तो फॉर्मेलिटीज के लिए क्या है ना, आफ्टर ऑल ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। कमाल करते हैं आप इंस्पेक्टर, मैं आपके सामने खड़ा हूँ आदित्य जगन्नाथ, और आप ये फॉर्मेलिटी के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो बात सुनो, जरा बाहर देखना, ₹20 लाख, आई होप ये आपके लिए बहुत होंगे, और इसमें से कुछ पैसे उस आदमी को देकर इस केस को रफा दफा करवा दें। अरे साहब, आप बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप भूल जाइए कि आपने एक्सीडेंट किया था। थैंक यू इंस्पेक्टर, कहा था ना मैंने समझा कि इस आदमी को भी कुछ नहीं होगा और कोई लीगल केस भी नहीं होगा। देखा तुमने, नाम और पैसे में कितनी ताकत होती। बहुत गुरूर है तुम्हें अपने नाम, अपने पैसे, अपने रुतबे पे, यही इस्तेमाल करके तुमने मेरे खिलाफ भी सबको खरीद लिया था ना। मिस्टर आदित्य जगन्नाथ, जिस जगन्नाथ नाम के दम पर तुम इतना रौब झाड़ते हो, बहुत जल्द मैं इस नाम को ही तुमसे अलग कर दूंगी। देखो मधु, मेरा खून जो तुमने बहाया था, कातिल हो तुम, तुमने मेरी जान ली मधु, तुमने मेरी जान ली। नहीं नहीं, मैं
ये खून क्यों नहीं साफ होता? कोई ये खून साफ करो, मुझे ये खून नहीं चीज का। मधु, 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 क्या हो रहा है? मिस्टर मांटो, लग रहा है सब इसे दौड़ पड़ा। डैड, ये खून मेरे कमरे की दीवारों पे इतना सारा खून है डैड। अरे बेटा, खून नहीं है। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे मुझे दीवारों को साफ करने दीजिए। कुछ भी नहीं है। मुझे दीवारों को साफ करने दीजिए। मधु बेटा, कुछ नहीं है। खून साफ करने, ये खून साफ क्यों नहीं होता? इसको साफ करो खून। ये खून कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? डॉक्टर अवस्थी, प्लीज मत करिए। ये खून क्यों नहीं निकाल? ये खून नहीं। मेरी वजह से ड्राइव खराब होगी और तुम्हारा मूड। डैड, मॉम, आप दोनों अभी तक सोए नहीं? बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे बेटा। कहिए डैड, इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? डैड, आज घर पर खाना खाने का मन नहीं था तो बाहर डिनर पर गए थे। एक बात फिर सोच लो, ये बोलने में गलती तो नहीं हो रही है ना? क्या मतलब डैड? यही कि सच सच बताओ, कहां से आ रहे हो? डैड, मैंने कहा ना कि हम डिनर पर गए। बस बहुत हो गया आदित्य, कितना झूठ बोलो। तुम डिनर करके नहीं, एक आदमी का एक्सीडेंट करके आए हो। तुम्हें क्या लगता है दुनिया भर में तुम कुछ भी करते घूमोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये क्या रवैया बना रखा है तुमने? पहले इस मेड के साथ शर्मनाक हरकत की और अब एक गरीब को गाड़ी से कुचल दिया? क्या चाहते हो तुम? आप भी शांत हो जाए। अरे कैसे शांत रहो, सुने ना, आदित्य ने कोई वजह छोड़ी हो तो ये दिमाग शांत रहे ना। रोज तुम्हारे कारनामे की चर्चा होती है मीडिया में। ये ड्रिंक एंड ड्राइव का किस्सा अगर न्यूज में आ जाता तो इस परिवार की इज्जत का क्या होता? तुम्हें अपनी इज्जत का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से इस परिवार की बदनामी हो रही है आदित्य। बेटा, बेवजह क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, सो प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट। हाँ ना, मुझसे गलती हुई थी लेकिन मैंने सब कुछ संभाल तो लिया ना। तुमने सब कुछ संभाल लिया? ये मामला तुमने नहीं, पैसों ने संभाला है, जगन्नाथ नाम के रुतबे ने संभाला है। और ये मत भूलो, ये पैसे भी मेरे हैं और जिस नाम का तुम रौब झाड़ के आयो ना वहां पर, वो भी मेरा है। और याद रखना, और इस नाम की अगर बदनामी हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इज्जत बना नहीं सकते हो तो इज्जत गंवाने की जरूरत मत करो आदित्य। और तुम क्या नाम कमाओगे? तुम्हारी जो पहचान है वो मेरी बेटी मधु की वजह से थी, और आज ये समायरा के साथ जो ये आशियाना बनाया है ना तुमने, वो भी मेरे पैसों की वजह से है। अरे तुम इतनी औकात ही कहाँ है कि तुम एक परिवार को भी संभाल सको? प्लीज डैड, बहुत हो गया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां खड़े खड़े मैं अपनी बेइज्जती करवाता रहूं। जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं ना, उसे कमाने के लिए मैं भी बहुत मेहनत करता हूं। ऐसे ही बैठे बैठे हमारी कंपनी का AMD नहीं बन गया मैं। जब मैडी हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व थी तब भी और आज उसके बिना भी, रोज दिन रात मैं उसको बढ़ाने के लिए मेहनत करता हूं। इस पैसे पर थोड़ा सा हक तो मेरा भी बनता है डैड।
आदित्य अपनी हद से बाहर जा रहा है। अपने बारे में उसे कुछ ज्यादा ही गलत फहमी, उसकी यह गलत फहमी दूर करनी पड़ेगी। रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स हमारा? महंत तो जगन्नाथ समझते क्या अपने आप को? हम तो कर रहा था कि उन्हें आदित्य जाने दो। कैसे जाने दो समायरा? हिम्मत कैसी उनकी मुझसे ऐसे बात करने की? आदित्य काम डाउन, आई एग्री, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम कर भी क्या सकते हो आदित्य, ये सब उन्हीं का तो है। और देखा जाए तो वो गलत नहीं बोल रहे थे कि उनके सपोर्ट के बगैर तुम मेरा भी ख्याल नहीं रख सकते। अब काम तो तुम उन्हीं की बनाई कंपनी में करते हो ना। व्हाट तुम्हारा? क्या तुम भी ये कहना चाहते हो कि मैं किसी लायक नहीं हूं? मैंने ऐसा कब कहा? आदित्य तुम मेरे पति हो, मैं तो तुम्हारे साथ किसी भी हाल में खुश रह सकती हूँ। उन्होंने ये कैसे कहा कि मुझे परिवार की इज्जत की परवाह नहीं है? अगर इस घर की इज्जत, इस घर के नाम को किसी ने मजाक बनाया ना, तो उनकी बेटी मैडी ने। रोज रात को पीकर तमाशा करती थी पूरी दुनिया के सामने, तब नाम नहीं खराब हो रहा था उनका, तो आज मुझे सुना रहे। आदित्य डोंट बी सो नाइव अबाउट इट, बेवकूफों वाली बात मत कर। मधु उनकी खुद की बेटी, उसे हजार गलतियां माफ है, लेकिन तुम क्या हो, क्या लगते हो तुम उनके? चलो पहले दामाद थे, अब तो वो भी नहीं रहे, और उसके बावजूद तुम अपने नाम के आगे जगन्नाथ लगाते हो। और तुम ही सोचो, उनके नाम का तमाशा पूरी दुनिया में बन रहा है, वो भी उस इंसान की वजह से जो जगन्नाथ ही नहीं। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, कैसे हैं आदित्य? थैंक यू, प्लीज मेक श्योर कि गाड़ी की डिलीवरी टाइम पर हो जाए। फाइनली, इस गाड़ी का मुझे कब से इंतजार था। दीपक, आदित्य क्या क्या चीजें हैंडल करते हैं? उनके अंडर के सारे प्रोजेक्ट्स, सारे क्लाइंट्स और सारे कामों की डिटेल्स लेकर मेरे पास आ जाइए। देखें तो सही, ऑफिस आकर तुम क्या काम करते हो? सर, आपको महंतो सर ने मीटिंग रूम में बुलाया। व्हाट? डैड, ऑफिस में? जी आपके लिए मैं। ये मामला तुमने नहीं, जगन्नाथ नाम के रुतबे ने संभाला है, और याद रखना, और इस नाम की अगर बदनामी हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।